हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी बार टू बी टेक महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी A1 सिम की एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो हमें काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है बाटू में फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर जाने के लिए, सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर जाने में और थर्ड ईयर टू फाइनल ईयर जाने में। तो इस वीडियो में आज अपन प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप अब सभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में एक GR कॉपी दिख रही है 23 अक्टूबर 2019 की। तो इस GR कॉपी में उन्होंने प्रमोशन क्राइटेरिया मेंशन करा है, तो हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे। आप सभी को दिख रहा होगा कि जो थर्ड पॉइंट मेंशन किया है, मिनिमम क्रेडिट फॉर कैरी ऑन प्रमोशन टू नेक्स्ट ईयर, उसमें बाद उन्होंने लिखा है फॉलोइंग प्रमोशन रूल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम करंट एकेडमी ईयर 2019-20 फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। ये जो प्रमोशन क्राइटेरिया है 2019-20 के बाद से अप्लाई हुआ है, ठीक है, मतलब करंटली अभी भी यही GR अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने अभी पहले तो अपन देखेंगे कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि पहला पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है, पॉइंट ए फॉर स्टूडेंट एडमिटेड डायरेक्टली, मतलब जो 12 पास आउट होके फर्स्ट ईयर में एडमिशन करते हैं वही स्टूडेंट, उन स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर जाना होगा, उनके लिए प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है, स्टूडेंट शुड क्लियर 60% ऑफ टोटल क्रेडिट प्रिस्क्राइब फॉर फर्स्ट ईयर बीटेक प्रोग्राम फॉर क्लेमिंग प्रमोशन टू सेकेंड ईयर। इन्होंने बोला है अगर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर जाना होगा तो उसको मिनिमम 60% क्रेडिट रिजर्व करने पड़ेंगे या कमाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये क्रेडिट होते क्या है, यहाँ ये कैसे पता करते हैं, क्या करते हैं। तो इसमें कोई डिफिकल्टी बात नहीं है, अगर जिन स्टूडेंट के पास में हार्ड कॉपी होगी उन स्टूडेंट के मार्कशीट पे क्रेडिट जो मार्कशीट आप देखेंगे तब उनको पता ही चल जाएगा। अगर हार्ड कॉपी नहीं होगी तो आप ऑनलाइन DBAR2ERP पोर्टल से अपने मार्क स्टेटमेंट देख सकते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पे ओपन करा एक स्टूडेंट का, एक CSE स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल क्रेडिट, ठीक है, और नीचे के कॉलम में आप देखेंगे टोटल, सॉरी, क्रेडिट कंप्लीटेड और क्रेडिट रजिस्टर्ड, ठीक है। क्रेडिट कंप्लीटेड मतलब उस सेम में, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में सारे सब्जेक्ट मिला के, सारे सब्जेक्ट की टोटल करके जो क्रेडिट होगा वो 18 का होगा, ठीक है। रजिस्टर्ड क्रेडिट मतलब आपने 18 में से कितने क्रेडिट कमाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक सिंपल स्टेटमेंट देख लेते कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको 4 मार्क्स का क्रेडिट है, फिजिक्स जो है वो 4 मार्क्स का है, ग्राफिक्स को 2 मार्क्स का है, कम्युनिकेशन स्किल को 2 मार्क्स का है, एनर्जी एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को 2 मार्क्स का है, बेसिक सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑडिट सब्जेक्ट है इसलिए इसको कोई क्रेडिट होता नहीं है, लैब के लिए 1 है, ग्राफिक्स लैब के लिए 2 है, कम्युनिकेशन लैब के लिए 1 है। तो इन सब की जब टोटल करते हैं उसका टोटल आता है 18, ठीक है। अगर इनके समझो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका बैक लगता है, 1 लगे या 2 लगे या 3 लगे जो भी हो, अगर आप यहाँ पे जैसे पास है, अगर यहाँ पे फेल आता है तो आपका जो ये क्रेडिट है, फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लो कि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बैक आ गया, यहाँ पे आएगा आपका फेल, तो
ये जो 4 मार्क्स का जो क्रेडिट है वो आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आप 18 में से 4 मार्क्स कम कर लो, मतलब 14 हो जाते हैं, तो आपका रजिस्टर्ड क्रेडिट होगा 14। ठीक है, इतना आपको समझ गया। सेकेंड सेम में भी वही वही कंडीशन है। मैथमेटिक्स 2 4 मार्क्स का क्रेडिट है, केमिस्ट्री 4, मैकेनिक्स 3, सी प्रोग्रामिंग 3, वर्कशॉप प्रैक्टिस 2, लैब 1, मैकेनिक 1, सेमिनार 1। तो सेकेंड सेम का जो टोटल क्रेडिट होता है ऑल सब्जेक्ट का मिला के वो होता है 19 मार्क्स का। ठीक है, 19 मार्क्स का क्रेडिट होता है अगर इनके सेम जो फर्स्ट सेम में जो क्राइटेरिया था इनमें से, अगर ये जो 9 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट में से आपका कोई एक भी सब्जेक्ट बैक आता है तो उसके लिए आपको क्रेडिट जो होगा वो आपको ये नहीं होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका इनमें से पकड़ लो कि लाइक मैथमेटिक्स जो है और इंजीनियर केमिस्ट्री जो है ये दोनों बैक आ गए, ठीक है, और सेमिनार का एक सब्जेक्ट बैक आ गया, मतलब 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो टोटल क्रेडिट जो था आपका 19 का था, बट आपका मैथमेटिक्स 2 केमिस्ट्री और सेमिनार ये सब्जेक्ट बैक आ गया, तो आपका रजिस्टर्ड क्रेडिट जो होगा वो 10 का होगा। ठीक है, इतना समझ गया मतलब आपको क्रेडिट क्या है और मतलब क्या टोटल क्रेडिट जो होता है और आपको जो पूरे सब्जेक्ट का मिला के रहता है वो टोटल क्रेडिट यहाँ पे दिखेगा आपको, आपने कितने क्रेडिट कमाए वो रजिस्टर्ड क्रेडिट में दिखेंगे। ठीक है, तो इसका उन्होंने क्या बोला इस जीआर में कि इसका 60%, 60% मतलब कितना वो अपन देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में 19 का है और सेकेंड सेम में 18 का है, तो यहाँ पे अपन सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे 18 प्लस 19, इसकी टोटल आती 37। अभी 37 का अपन को 60% निकालना है, तो 60% निकालना है इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका टोटल आ रहा है 22। तो मतलब यहां पे देखो फर्स्ट सेम में 18 था, सेकेंड सेम में था 19, इसका टोटल हो रहा था 37, 37 ही था ना? हाँ 37 ही था। ठीक है, 37 ये टोटल क्रेडिट आपका, टोटल क्रेडिट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये टोटल क्रेडिट आपके हो गया। देन सेकेंड ईयर आपको अगर सेकेंड ईयर में जाना है फॉर एडमिशन सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर तो आपको मिनिमम जो क्रेडिट, मिनिमम क्रेडिट जो चाहिए, जो मिनिमम क्रेडिट चाहिए वो 60% चाहिए। ठीक है, लाइक 60%, तो 60% अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करा था वो टोटल हो रहा था 22। ठीक है, तो इसका 60% मतलब पकड़ लो 22, मीन्स आपको 22, सॉरी 37 आउट ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब 37 जो है टोटल आपका क्रेडिट आया है उसमें से आपको मिनिमम 22 मार्क्स जो चाहिए आपको रजिस्टर्ड करने हैं तभी जाके आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी है। लाइक यहाँ पे अपन फिर से जो जीआर कॉपी है वो ओपन करेंगे। ठीक है, उसमें क्या बोला उन्होंने, सेकेंड फाइल फॉर प्रोमो क्लेमिंग प्रोमोशन टू थर्ड ईयर एवरी स्टूडेंट शुड बी क्लियर 80% ऑफ टोटल क्रेडिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीटेक कंसीडर टुगेदर।
इन्होंने बुलाया कि अगर आपको थर्ड ईयर में एडमिशन लेनी है या आपको थर्ड ईयर से में जाना है, तो उसके लिए आपको 80% क्रेडिट चाहिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मिला के। ठीक है, तो सेम अपन को पता है कि फर्स्ट ईयर का अपना जो क्रेडिट था वो 37 आ रहा था। तो सेम अपना जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे जाइएगा, मार्कशीट चेक करें। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड सेम की मार्कशीट। थर्ड सेम में उन्होंने क्रेडिट दिया है लाइक फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स। ठीक है, टोटल क्रेडिट आ रहा है इसका टोटल मतलब 8 सब्जेक्ट का मिला के 24। रजिस्टर्ड क्रेडिट मतलब आपको जितना क्रेडिट मिला है, ठीक है, 24 हो गया। और इतने फोर्थ सेम का भी सेम है, टोटल 7 सब्जेक्ट का क्रेडिट आ रहा है 23, आपने जो कमाए है वो वाला क्रेडिट। ठीक है, मतलब ये हो गया। यहाँ पे अपन को एड ऑन कर लेंगे। ठीक है, लाइक ये क्लियर हो जाता सब कुछ। फर्स्ट सेम 18, सेकेंड सेम 19। ठीक है, उसके बाद में ये किसका है, सॉरी, हाँ थर्ड सेम 24 प्लस, एक मिनट, 18 प्लस 19 प्लस 24। ठीक है, उसके बाद है 23 प्लस 23, ये हो रहा टोटल 84। टोटल हो रहा 84। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेते। अपना जो फर्स्ट सेम सेकेंड सेम थर्ड सेम और फोर्थ सेम, ये चारों सेमिस्टर का मिला के हो रहा 84, मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मिला के हो रहा 84। तो इन्होंने क्या बोला है कि इसका 80% चाहिए अगर थर्ड ईयर में एडमिशन चाहिए तो। तो सिंपली अपन इसका 80% निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 80, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, वो हो रहा है 67। ठीक है, सिंपल यहां पे देखेंगे अपन, सेम यहाँ पे कि लाइक ये हो गया अपना सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर। प्रमोशन, सॉरी प्रमोशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेम का जो था अपना वाला 19 का पकड़ लो, सेकेंड सेम जो था अपना 18 का पकड़ लो, थर्ड सेम जो था अपना वाला 24 का था आई थिंक, एक मिनट, हाँ 24 पकड़ लो, और फोर्थ सेम जो पकड़ लो वो 23 का पकड़ लो। ठीक है, इस मतलब इसका पूरा टोटल हो रहा है, इसका टोटल हो रहा था अपना वाला 84। ठीक है, तो अभी 84 का 80%, 84 का 84%, 84 का 80, 84 का 80, 80% कितना होता है, जैसे अपने कैलकुलेशन करा था यहाँ पे वो हो रहा था 67। ठीक है, 67 मीन्स अगर किसी स्टूडेंट को सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर जाना होगा तो उसको मिनिमम 67 चाहिए तभी जाके उसका थर्ड ईयर में एडमिशन होगा, मिनिमम जो क्रेडिट है। ये हो गया थर्ड ईयर वालों के लिए। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट दिया है उन्होंने, सॉरी थर्ड पॉइंट दिया है, फॉर क्लेमिंग प्रमोशन टू फोर्थ ईयर एवरी स्टूडेंट शुड क्लियर 86 ऑफ टोटल क्रेडिट ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सॉरी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सेम प्रोसेस है, सेम कैलकुलेशन है उस हिसाब से। लाइक इसमें क्या करना पड़ेगा आपको,
फर्स्ट सेम का, सेकेंड सेम का, थर्ड सेम का, फोर्थ सेम का, फिफ्थ सेम का और सिक्स सेम का, मतलब छह सेमिस्टर थ्री ईयर। इसमें टोटल जो क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया था, लाइक ये जो है, ये जो मेंशन करे यहाँ पे, ये आपका टोटल क्रेडिट है, ठीक है। ये इस साइड में जो जो क्रेडिट है वो टोटल आपके जो है वो आपको कितने आपको मिले हैं वो वाले क्रेडिट है। तो आपको जो परसेंटेज निकालने हैं, जो परसेंटेज आप निकालोगे, पहले तो इस सब ये जो है जो क्रेडिट कंप्लीटेड इसका टोटल कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने के बाद में जो क्राइटेरिया है, अभी इन्होंने 86% जो बताया है तो उसका परसेंटेज निकालो, उसके बाद में आप इसकी कैलकुलेशन करो, ठीक है। जितने आपको मिले है, जितने आपको मिले हैं वो इन मार्क्स के, लाइक 67, ठीक है, थर्ड ईयर वालों के लिए, और 22 फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर वालों के लिए, इतना मिनिमम आपका कैलकुलेशन आना चाहिए। इस तभी आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन मिली और तभी जाके आपको इसमें क्या बोलते हैं फाइनल ईयर में एडमिशन मिलेंगी। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि हमारा तो अभी, हमने तो जस्ट अपनी सिक्स सेम की एग्जाम दी है तो उसका कैसा करना है, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप सभी के पास में आपकी सिलेबस कॉपी होगी, सिलेबस कॉपी में भी जो सिलेबस कॉपी होती है वहां पे भी आपकी जो ये रहते हैं क्या बोलते सब्जेक्ट रहते हैं उसके उसके जो बॉक्स रहता है उसमें भी जो क्रेडिट सिस्टम रहता है वो ऑलरेडी वहां पे मेंशन रहता है। एक मिनट यहाँ पे अपन देख लेते हैं, टेबल टू सिलेबस, एक यहाँ पे सिंपली कोई भी एक सिलेबस अपन डाउनलोड करके देख लेंगे, जैसे कि आप सभी को समझ में आए, रिवाइज सिलेबस देख लेते हैं। कुछ सिंपल नहीं है इसमें, इतना हेडेक वाला कुछ भी नहीं है। आपको जो क्रेडिट टोटल क्रेडिट जो है उसको कैलकुलेशन करना है और बाकी कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है। एक पीडीएफ है, देखो जैसे कि मैंने बोला था आपको, यहाँ पे देखो टोटल सबका जो है टोटल क्रेडिट यहाँ पे बताया गया है। ये हो गया सेकेंड सेम का हो गया, ये थर्ड सेम का हो गया, ये फोर्थ सेम का हो गया, ये फिफ्थ सेम, सिक्स सेम। अगर वहां से भी आपको डाउट आ रहा, वहां से समझ नहीं रहोगा तो आप यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। टोटली आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे कि ये जो मार्कशीट है, ये जो टोटल क्रेडिट है वही आपको कैलकुलेशन करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि बाटू यूनिवर्सिटी जो क्रेडिट सिस्टम पे वर्क करती है, तो अभी सिंपली एक अगर कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अपन यहाँ पे एक्सेल शीट में एक कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेम एक सिंपल बता रहा हूं मैं यहाँ पे, लाइक ये फर्स्ट सेम का क्रेडिट था अपना वाला 18 का, ठीक है। सेकेंड सेम उसका था 19 का, इसकी जो टोटल होगी, ठीक है, इसकी जो सम होगी, सॉरी ये सम का साइन नहीं है, अठारह प्लस 19 ये वाला 37, इसकी टोटल और 37, ठीक है। तो इसका 37 हो गया, तो आपको 37 में से सेकेंड ईयर जाने के लिए, सेकेंड ईयर जाने के लिए आपको चाहिए 22, ठीक है, ये समझ गया। ये सेकेंड ईयर वालों के लिए, जिनको सेकेंड ईयर जाना होगा, ये फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम,
थर्ड सेम फोर्थ सेम, ठीक है। तो यहाँ पे 18, 19, 23, 24 इसका जो कैलकुलेशन आएगा 84। तो अगर आपको थर्ड ईयर में एडमिशन चाहिए तो 84 में से आपको कितना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, सिक्सटी सेवन आप क्रेडिट सिक्योर करते हो तभी जाके आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। सेम वैसे ही रहेगा फर्स्ट सेम सेकेंड सेम थर्ड सेम फोर्थ सॉरी फोर्थ सेम सिक्स सेम सॉरी फिफ्थ सेम तो जैसे अपन यहाँ पे बात कर रहे थे लाइक इसकी ये फिफ्थ सेम हो गया, थोड़ा आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है सेम 18 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 24 फिफ्थ सेम में फॉर एग्जांपल देख लो कि यहाँ पे अपन एक पीडीएफ ओपन करी थी, ये कौन सा है, ये फिफ्थ सेम का जैसे कि आप देख सकते हो वहां पे दिख रहा होगा, तो फिफ्थ सेम में 22 है और सिक्स सेम में 20 है, 22 और ये 20, ठीक है। इसका जो टोटल होगा वो अपन कैलकुलेट कर लेते एक बार, ठीक है 18 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 20, ठीक है इसका टोटल आ रहा 126 सॉरी हाँ इसका जो टोटल आ रहा 126 हो गया। तो जो इसका था एज पर जीआर उन्होंने बोला है 86% चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 86 डिवाइड बाय 100 तो आपको फाइनल ईयर में एडमिशन चाहिए तो आपको 108 मार्क्स का क्रेडिट रिजर्व करना पड़ेगा तभी जाके आपका एडमिशन होगा फाइनल ईयर में। मिनिमम ये जो कुछ दिया है कि यहाँ पे देखो एक सिंपल बताया मैंने, फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर जाना होगा तो आपको मिनिमम 22 मार्क का क्रेडिट जो है रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर जाना होगा तो आपको 67 का क्रेडिट रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और थर्ड ईयर टू फाइनल ईयर जाना पड़ेगा तब आपको 108 मार्क्स का क्रेडिट रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही बाकी इसके लिए सेम है, आप चाहे तो इसका एक लाइक फोटो निकाल सकते हो, यहाँ पे सब कुछ दिया है उसी हिसाब से आपको करना है। तो अगर इसमें भी आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच ऐसे ही नए नए वीडियो और अपडेट के लिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।